पाकिस्तान और चाइना की विभाजन अभी तक खत्म हुआ ही नहीं, भविष्य में बांग्लादेश और भारत के बीच विभाजन हो सकता है। फिलहाल भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, उन लोगों का आगे का सोच ये है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा भी बांग्ला करने के लिए अपना सोच रख रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर, जो इंडियन मीडिया है वो कह रहा है कि जो त्रिपुरा स्टेट है और फिर कुमिल्ला जो स्टेट है, रीजन है जो बांग्लादेश में आता है, वो कहते हैं कुमिल्ला को हम अपने साथ मिलाना चाहते हैं क्योंकि ये हम लेना चाहते हैं। लेकिन वो जो दूसरी तरफ बीजेपी पॉलिटिशियंस हैं वेस्ट बंगाल में, वो कहते हैं ये या कुमिल्ला को लेना चाहते हैं या फिर त्रिपुरा को साथ में मिलाना चाहते हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश के साथ मिलाना चाहते हैं, ये तो बंगाली बोलते हैं, बंगला लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं और हिंदी नहीं बोलते, ये तो कुछ और करना चाहते हैं। लेकिन जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो कहते हैं कि जो कुमिल्ला हमारा एक टुकड़ा था, एक पार्ट था, हम उसको अपने साथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी लीडर उसके ऊपर कुछ और बात कर रहे हैं। यानी ये वीडियो है हमारे पास, एक इंडियन मीडिया हिंदुस्तानी मीडिया की ही है, वो क्या इसके ऊपर बात मुर्तजा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि जी किस तरह से जो हमें जो है वो हमें राइट्स नहीं मिलते इंडिया में, हमें अपनी जुबान को, जो उनकी जुबान है बंगाली जो जुबान है, जो लोग वहाँ के रहते हैं त्रिपुरा में, उन्हें अपनी जुबान का हक नहीं मिलता, वो राइट नहीं मिलता कि अपनी लैंग्वेज बोल सकें, वहाँ पे नेशनल लैंग्वेज के तौर पर समझा ही नहीं जाता। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जी अगर कोई यहाँ पर बोलेगा हिंदी तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोली जाएगी सिर्फ और सिर्फ बंगाली जुबान, बांग्लादेश के लोग ही वहाँ पे ज़्यादातर तो रहते हैं। देखिए वो वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, तो जो स्टेट है त्रिपुरा उसके साथ ही ये मिलता जुलता है, तो देखें उनके जुबान है जो बिल्कुल। आप मुर्तजा ठीक कह रहे हैं, मेरे ख्याल में पहले मैं जी वीडियो पहले देखें उसके ऊपर हम बात करेंगे। व्यूअर जुड़े रहिएगा आखिर तक, बहुत ही अहम वीडियो है, बढ़ते हैं वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। पाकिस्तान और चाइना की विभाजन अभी तक खत्म हुआ ही नहीं, भविष्य में बांग्लादेश और भारत के बीच विभाजन हो सकता है। इतिहास गवाह है, भारत ने किसी पड़ोसी देश को अपनी तीखी नजरों से कभी देखा ही नहीं, लेकिन भविष्य में हो सकता है भारत और बांग्लादेश के बीच, और ये विभाजन त्रिपुरा से शुरू हो सकता है क्योंकि त्रिपुरा राज्य की कुछ चंद नेता बांग्लादेश का चकला रसनाबाद को त्रिपुरा राज्य की अंश बनाने के लिए नजरें गरी हुई है। उन लोगों का कहना है कि गेता टिपरा लैंड त्रिपुरासाओं को कभी नहीं दिया जाएगा, लेकिन भविष्य में गेता त्रिपुरा लैंड बांग्लादेश की चकला रसनाबाद को लेकर करने की नजरें गड़ा हुआ है। আন্দোলন করে উদ্ধার যাতে আমরা করতে পারি, আমরা জনগণের দরবারে আমরা চাপ, সেটাই আমাদের আশা বিশ্বাস, আমরা সেই জমি উদ্ধার করতে পারি। सिर्फ उतना ही नहीं, फिलहाल भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, उन लोगों का आगे का सोच ये है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा भी बांग्ला करने के लिए अपना सोच रख रहा है। अगर गौर से देखा जाए तो ये कहने में कोई गलत नहीं है कि दुश्मन घुस चुका है भारत के अंदर। बंगाली कथा बोला झरा, बांग्ला तो व्यूअर्स आपने ये वीडियो देखी किस तरह से वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर वो कह रहे हैं कि हिंदी है, लेकिन वो कहते हैं नहीं बंगला होनी चाहिए। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो जॉय बंगला के नारे लगा रहे हैं। ममता बनर्जी जो उनकी वेस्ट बंगाल की, वो कहती है कि मेरा जो आइडियल है वो शेख मुजीबुर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है, और किस तरह से वो जो है बंगला के नारे भी लगा रही हैं। यानी उनको जाहिर बात है जब कल्चर उनके साथ मिलता है,
नॉर्म्स, वैल्यूज, वो सारी वो चीज़ें साथ रिजेंबलेंस करती हैं, तो फिर उसको किस तरह से आप रोक सकते हैं? यानी ड्रेस तक उनके मिलते हैं, लुंगी और फिर उसके साथ साथ कुर्ता, और उनके ट्रेडिशनल फूड्स देखें, मछली और साथ में जो है वाइट राइस, ये देखें, उनके आपस में दिल तो मिलते ही हैं। लेकिन अच्छा, इसके बारे में आपका क्या कहना है, जो ये जो बगावत हो रही है, ये जो उनके लीडर हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि हम तो इनको आपस में एक करना चाहते हैं, कोमिल्ला को और साथ में त्रिपुरा को। असल में मुर्तजा, बात ये है, कल हमने एक वीडियो दी थी, बल्कि वेस्ट बंगाल के एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं जी, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को हमसे जुदा ना किया जाए, इससे पहले जो हमारे रिलेशंस हैं, हमारा रिश्ता पाकिस्तान चाइना के साथ भी ठीक नहीं है। अब देखें, बांग्लादेश में इतने ज्यादा हिंदुस्तानी काम करने के लिए गए हुए हैं जी, तो अगर वो उनको वापस भेज देते हैं, तो बांग्लादेश से अगर वो लोग वापस आते हैं, तो इंडिया को कितना बड़ा लॉस होगा जी। बिल्कुल, वो कहते हैं काइंडली जो बीजेपी जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको चाहिए कि वो जनाब कम अज कम बांग्लादेश के साथ तो ताल्लुकात को अच्छा ही रहने दें जी। बिल्कुल, ये ना हो कि आपस में फूट पैदा हो इस तरह की बातें करने से, कि देखें कितने ज्यादा जो बांग्लादेशी हैं वो जनाब वेस्ट बंगाल का रुख कर रहे हैं, उनको वहां से कोई चीज नहीं मिलती। हालांकि अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही है जी, यानी बांग्लादेश बहुत ही डेवलप एरिया है, कंट्रीज है जो वेस्ट बंगाल के साथ कुछ उनकी जो स्टेट्स मिलती हैं, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वो तो बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप। बिल्कुल, वहाँ तो एक भी इंडस्ट्री भी नहीं है ना पूरे वेस्ट बंगाल में ही। लेकिन देखें, जो ये भी तो है ना रिपोर्ट के, एक रिपोर्ट में हमने ये भी तो बताया था कि जो फोर्थ हाईएस्ट रेमिटेंसेज है वो भी बांग्लादेश से ही आता है इंडिया में। लेकिन अगर इनकी लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज बोलने का हक होना चाहिए, लेकिन अगर वो कहें कि इंटरनेशनल लैंग्वेज होनी, हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, पूरे इंडिया में यही बोली जानी चाहिए, तो इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि ये गलती पर है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो व्यूअर से इजाजत लेते हैं। व्यूअर, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप भी फीडबैक दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।